hello everyone welcome to another video of chromosomal variation in the last video we have discussed about different type of chromosomal rearrangement and duplication in today's video we will discuss about the deletion inversion and translocation so let's begin with deletion so what is deletion here what happens a segment or a पार्ट ऑफ द क्रोमोज गेट डिलीटेड क्रोमोजोम का एक हिस्सा एक पार्ट जो होता है वो डिवीट हो जाता है सो इट इज ऑल्सो नोन एज डेफि ड्राम में देख सकते हैं सपोज क्रोमोज है जिसमें सेगमेंट है ए बी सी डी एफ जी सो यहाँ पे अगर ई एफ सेगमेंट डिलीट हो जा रहा है द न्यू क्रोमोज विथ डिलीशन विल बी ए बी सी so ये segment सेगमेंट पे delete हो गया तो so, यहाँ पे क्या होता है वो जहां पे डिलीशन हुआ है वहां पे बहुत सारा जीन भी हो सकता है और कम जीन भी हो सकता है There may be वन और टू जीन और मे बी मोर देन five genes can कैन बी So सो अगर एक बड़ा हिस्सा डिलीट हो जा रहा है chromosome का तो इट कैन बी easily distinguishable.

सो so, अगर यहां पे नॉर्मल लूप आउट फॉर्म नहीं करेगा तो दे दोनों प्रोपरली अलाइन नहीं कर पाएंगे डुप्लीकेशन में क्या होता था जो क्रोमोजोम डुप्लीकेशन है वो लूप आउट फॉर्म करता था और यहाँ पे क्या हो रहा है जो नॉर्मल क्रोमोजोम है वो लूप आउट फॉर्म कर रहा है सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी द वन क्रोमोजोम इज नॉर्मल एंड अनदर क्रोमोजोम गॉट डिलीशन द फर्स्ट क्रोमोजोम दैट contain a b c d e f g segment and in the second chromosome as you can see the e and the f segment is absent so here the normal chromosome forming the loop so they can easily align for normal cell division then let's discuss about its impact if we discuss about the impact or effect डिलीशन इट इज मोर डेंजरियस एंड लेथलेंट और कुछ कुछ केसेस में क्या होता है इफ द डिलीशन इंक्लूड सेंट्रोमियर वहां पर क्या होगा जो अगर क्रोमोजोम uh, का सेंट्रोमियर डिलीट हो गया तो क्या होगा ड्यूरिंग सेल डिविजन क्या होता है क्रोमोजोम कैन नॉट क्रोमोजोम लॉस्ट सो यहाँ पे क्या हो रहा है क्रोमोजोम का लॉस हो रहा है एस अगर डिलीट हो गया तो क्या सेल डिजन के टाइम वहां पर स्पिडिल फाइवर सेंट्रोमियर में अटैच नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास सेंटोमियर ही नहीं है देन वाट एपन्स द रेस्ट ऑफ द क्रोमोज सेगमेंट देवेंचुअली लॉस्ट और जनरली डिलीशन होमोस में कंडीशन में जनरली नहीं होता है जनरली हेट्रोजैगस कंडीशन में होता है इन मोस्ट केसेस बट इवन इन द देट्रोजेगस कंडीशन सम ऑफ द डिलीशन आर वेरी लेथल सो फिर एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है जीन का एसेंशियल जीन है अगर वो डिलीट हो गया तो क्या होगा अगर वो डिलीटेड पार्ट में था और वो डिलीट हो गया देन वाट है उसका फंक्शन कैरी आउट करने के लिए दूसरा कोई जीन नहीं रहा All the essential genes are get deleted due to deletion. Then what happens? It will be very lethal for the cell. It affect the phenotype due to three reasons and the region uh, one number one is imbalance in gene product. जहाँ पहले uh, duplication में discuss किए थे। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो हम example लिए थे नीमू पानी का। Suppose ये यहाँ पे क्या हो तो रहा है अगर हम totally नीमू क्यों delete कर दें? तो वहाँ नीमू पानी रहाई कहाँ?

आपके पेरेंट्स हैं डोमिनेंट जीन और आप है रिसेसिव जीन्स तो जनरली इस केस में क्या होता है जब आपके पेरेंट्स रहते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ अगर से वो घर में नहीं है दे आर एबसेंट देन वॉट एफेंस आप उत्पात मचाते हैं घर में काफी बदमाशी करते हैं सो द रिसेसिव जीन गेट ए चांस टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द एबसेंस ऑफ डोमिनेंट जीन तो यहां पे भी वैसे ही हो रहा है

प्रोड्यूस करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन का सपोजली दो कॉपी में जरूरत है सपोजली उसका एक कॉपी डिलीट हो गया नॉट प्रॉपरली फॉर्म द पर्पल कलर तो वहां पे वो प्रॉपरली पर्पल कलर फॉर्म नहीं कर पाएगा सो लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ डिलीशन ऑन ह्यूमंस सो हियर इज अ टेबल यहां पे बहुत सारा डिलीशन एंड उसका इफेक्ट है आई विल नॉट एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन डिटेल बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन सी देर इज ए मेंटल डिडेशन एबनॉर्मल ग्रोथ स्मॉल हेड, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा मोस्ट ऑफ द केसेस हैंड का का साइज स्मॉल होगा लेग का साइज स्मॉल होगा आइज का पोजीशन इधर उधर होगा

मे बी यूज टू स्टडी द क्रोमोजो पेयरिंग एंडियर ड्यूरिंग सेल डिजन तो हाउ द क्रोमोजोम डिलीशन सो उसका स्टडी किया जा सकता है और मैपिंग केसेस में जो सेकेंड पॉइंट है मैपिंग हुआ, हुआ या लोकेशन ट्रेस करने के लिए मतलब एक जीन कौन सा क्रोमोजोम में प्रेजेंट है किस जगह पर प्रेजेंट है वो लोकेट करने में काम आता है सो द नेक्स्ट वन इज इन्वर्सन ट so, in मतलब है सेगमेंट ऑफ द क्रोमोजुम गेट इन और टर्न एटी डिग्री मतलब रोटेट होके उसका सिक्वेंस उल्टा हो जाएगा सो so, इसको समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं सो इन दिस डायग्राम एज यू कैन सी देर इज ए सेगमेंट ए बी सी डी एफ जी सो यर व्हाट हैन सी इन द सेकेंड क्रोमोजोम द सिक्वेंस गेट इन्वर्टेड द सीक्वेंस ऑफ सी डी ई गेट इन्वर्टेड टू ई डी सी इट इज कॉल्ड पारासेंट्रिक इन्वर्सन इसको पारासेंट्रिक क्यों बोल रहे हैं बिकॉज हयर द सेंट्रोमियर इज नॉट इंक्लूडेड सपोज यहां अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर इंक्लूडेड होता है सेगमेंट के साथ इन दाम यूल सी सो हियर यू सीयर दी सी डी एफ जी आर द नॉर्मल क्रोम सिक्वेंस एंड हियर द सेगमेंट सी डी इंक्लूडिंग द सेंटीमर इज गेट इनवर्टेड टू ईडीसी दिस टाइप ऑफ इन्वर्सन इज कॉल्ड पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन

उस वो क्रोमोजोम का एक हिस्सा वहां से निकलना होगा सो व्हाट ड्यूरिंग दैट जहां पे जहां पे अगर वो सेगमेंट टूट रहा है अगर वहां पे कोई जीन प्रेजेंट है सो व्हाट फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन गेट डिसरप्टेड अगर हम सिक्वेंस उल्टा भी यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो क्या होगा वो जीन जो सेगमेंट का जितना सारा सब सिक्वेंस था वो सब उल्टा हो रहा है वहां पे भी क्या होगा जीन का जो रीडिंग सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो सकता है जो प्रोटीन उसको रीड करेगा वहां पे वो गड़बड़ हो सकता है एंड व्हाट हैपेंस मेनी जीन्स आर रेगुलेटेड इन पोजीशन डिपेंडेंट मैनर इफ द पोजीशन आर ऑल्टर बाय इन पर्सन दे मे बी एक्सप्रेस्ड एट एन इन अप्रोप्रियट टाइम और इन इन अप्रोप्रिएट सेल तो वाट एपेंस एक सेल में अगर जैसे हम लोग का बॉडी है या फिर एक प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट्स के रूट्स में भी सेम जीन है प्लांट्स के स्टेम में भी सेम जीन है प्लांट्स के लेप में भी सेम डीएनए है और जीन है सबका क्रोमोजम और डीएनए सेम है बट उन लोग का एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिविटी जो होता है वो डिफरेंट होता है जो रूट का है वो रूट फॉर्मेशन के लिए वो स्पेसिफिक जीन वहां पे काम करेगा स्टेम में स्टेम का जो फंक्शन है स्टेम का पर्टिकुलर फंक्शन कर लिए स्पेसिफिक जीन वहां पे काम करेगा लीफ में है सो so, लीफ में फोटोसिंथेसिस करना उसका काम क्या है फोटोसिंथेसिस करना देन व्हाट अपंस वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ जीन विल एक्सप्रेस देन यर वाट अपंस इफ द पोजिशन ऑफ द जीन गेट अल्टर देन इट विल एक्सप्रेस इन अप्रोप्रिएटली मतलब कहीं पर भी उल्टा जीन एक्सप्रेस हो सकता है आपका वहाँ पे लिखा कुछ और होगा सपोलिए मैंने एक बुक का पेज नंबर चेंज कर दिया है या yeah, फिर मैंने एक नीचे का लाइन ऊपर पॉइंट को इधर उधर अल्टर कर दिया इन्वर्ट कर दिया तो किसी को पढ़ने के लिए बोलूंगा तो वो क्या करेगा पॉइंट नंबर वन पढ़ेगा उसके बाद पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर को मैंने ऊपर ला दिया तो वो पढ़ेगा पढ़ेगा यहाँ पर उल्टा हो गया सिक्वेंस सो वॉट एफेंस दिमिलरली द तो सिक्वेंस चेंज होने से क्या होगा वो जीन गलत सेल में गलत टाइम में एक्सप्रेस कर सकता है क्योंकि वहां पे जो जीन एक्सप्रेस करना था उसको हमने चेंज कर दिया है ड्यू टू इन्वर्सन लेट्स सी व्हाट एफेंड्स टू इट्स प्रोडक्ट एफ्टर म्यूसिस सो इस डायग्राम में अगर हम क्लोजली देखें तो फर्स्ट वन देख रहे हैं यहाँ पे एक दो क्रोमोजम है वन क्रोमोज इज नॉर्मल एंड अनदर क्रोमोज है पैरासेंट्रिक इन्वर्सन इन द फर्स्ट प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस इट विल फॉर्म एन इन्वर्सन लूप द क्रोमोजम विच कंटेन इन्वर्सन विल फॉर्म एन इन्वर्सन लूप so if there is a single crossover within the inverted region what happens as you can see here there is an unusual structure formation ek like, unusual structure form hota hai jaise yahan pe ek bridge jaisa form hua dekh sakte hain so ek chromosome ke paas yahan pe दो सेंट्रोमियर number सिक्स point देख सकते हैं so, एक क्रोमोजोम के पास यहाँ पे दो centromere है।, है और एक क्रोमोजोम के पास centromere है ही नहीं so what is happening here One is dicentric and another one is acentric. So, in the anaphase 1, what happens? The spindle fiber formation will take place and it will pull apart both the chromosome. So, we have a, a, the part had, uh, they said point number 9. The chromosome lacking the centrometer will be lost and in the 8th number point, there is a connection between the two chromosome.

सो वाट हैपन्स ये से यहाँ पे डायसेंट्रिक ब्रिज है तो ये ब्रिज क्या होगा ये टूट जाएगा सो इट विल इवेंचुअली ब्रेक एंड लेट सी द प्रोडक्ट्स देर इज ए नॉर्मल नॉन रिकॉम्बिनेंट गेमेंट एंड टू ऑफ देम आर नॉन वहाबल रिकॉम्बिनेट गेमेंट्स एंड द लास्ट वन इज नॉन रिकॉम्बिनेंट गेमेंट विथ पैरासेंट्रिक इन्वर्सन जो बीच में दो देख रहे हैं ये नॉन वेबुल रिकॉम्बिनेट गेमेंट्स हैं As there is most of the genes are absent here. Let's see what is the case in the pericentric inversion. So in the pericentric inversion, here also they will form a inversion loop, and there is a single crossing over. And let's see what happened after the crossing over. So here what happens that two of the resulting chromatids have too many copies of some genes and no copies of other. As you can see here in the c diagram the right side as you can see after the separation it will be clear how they have many copies of a gene and no copies of other genes or other segment as you can see after separation in the nfs 2 as you can see there is two non recombinant gamete one is normal and other one have paracentric sorry other one have pericentric inversion and two non viable recombinant gametes the chromosome contain more copies of some genes and no copies of other. As you can see here, inversion in heterozygous are common in many organisms, including a number of plants and some species of Drosophila, Mosquito and Grasshopper. But inversion may have played an important role in human evolution. Some of the research revealed that several human chromosomes differ from those of chimpanzee only by a pericentric inversion. So,

नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है देर इज ओनली वन वे ट्रांसफर सपोज एडिशन डिलीशन और एडिशन. सो एक क्रोमोजोम से एक पार्ट दूसरे क्रोमोजोम में ट्रांसलोकेट हो रहा है तो द क्रोमोजोम वन देर इज ए डिलीशन एंड इन द क्रोमोजोम टू देर इज एडिशन एंड इन द रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में डिपेन्ड इट इज ए टू वे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन क्रोमोजोम्स

Get transferred to the second chromosome containing M N O P Q R sequence. So there will be new sequence containing M N, then B C, then O P Q R. Next, reciprocal intrachromosomal translation As you can see here, both have exchanged some part of their chromosome. The A B from the first chromosome get exchanged with

the chromosomal break that bring about translocation may takes place within genes and disrupt their its function so agar transfer hone ke liye kya hona padega so koi hum ek part transfer karna hai to uska transfer karne ke liye pehle उसे वहां से ब्रेक डाउन होकर निकलना पड़ेगा यहाँ पे two points में break हो रहा है So कुछ लिए क्रोमोजोम का मिडिल से अगर कोई सेगमेंट ट्रांसलोकेट हो रहा है जैसे इन्वर्सन में हो रहा था यहाँ पे क्या दो जगह पे यहां पे ब्रेक होगा सपोर्ट जहां पे ब्रेक हो रहा है अगर वहां पे अगर कोई जीन है सो व्हाट विल ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस डिलीशन फ्रिक्वेंटली बाय ट्रांसलोकेशन सो ट्रांसलोकेशन डिलीशन होना जरूरी है एंड इन रोबर्ट्स इन एंड ट्रांसलोकेशन द लॉन्ग आर्म्स ऑफ

ए क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर और ए क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म इन प्रोफेज वन ऑफ म्यूसिस। म्यूर्सिस ड्यूरिंग एन एफेज वन द क्रोमोजोम सेपरेट इन वन ऑफ द थ्री वे यहाँ पे तीन तरीके में दोनों ये सेपरेट हो सकते हैं एज कैनसीट सेग्रीगेशन एडजस्ट से लास्ट वन एडजस्ट्रीगेशन टू इच वेरी दे इन मोस्ट ऑफ द केसेस सो so, इसका प्रोडक्ट्स हम अगर देखें तो आर सेबल एंड इन दिगेशन वेपेंस ऑल द गेमेट्स आर नॉन बेहबल एज इट कंटेंट सम क्रोमोज़ोम एंड पार्ट ऑफ द सेगमेंट इज टोटलीयर लाइक अदर क्रोमोजुमेंट ट्रांसलोकेशन ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इफ्यूशन

जैसे हम रोबोर्सन एंड ट्रांसलोकेशन में देख रहे थे अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड एक मेटा सेंट्री क्रोमोजोम वॉज सब्सिक्वेंटली लॉस्ट लीडिंग टू रिड्यूस्ड द ह्यूमन क्रोमोजोम नंबर सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीशन इनवर्सन एंड